दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों जीत के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया से की बदसलूकी। खिलाड़ियों के बीच हुई हाथापाई, जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्ड क्रिकेट की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों भारतीय टीम पांचवें विश्व कप खिताब का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरी थी, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने उसकी बादशाहत खत्म कर दी। बांग्लादेश के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और नया इतिहास रच दिया। बांग्लादेश की टीम ने सभी को चौंकाते हुए आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में गत चैंपियन भारतीय टीम के डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 3 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। फाइनल मैच के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने टीम इंडियन क्रिकेटरों के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों बांग्लादेश पहले बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंचा और विश्व चैंपियन का ताज पहना। खास बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में किसी भी स्तर पर यह पहला विश्व कप खिताब है। वह इस टूर्नामेंट में अजय रही और कोई मैच नहीं हारी। वहीं दोस्तों फाइनल मैच के तुरंत बाद मैदान पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जीत के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की। जीत के बाद खुशी मनाते मैदान पर पहुंचे बांग्लादेशी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी मैदान पर मौजूद भारतीय खिलाड़ी के पास पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया। यही नहीं, बांग्लादेशी खिलाड़ी ने कुछ भड़काऊ बात भी कही। इसके बाद सामने खड़े भारतीय खिलाड़ी ने उसे हाथ से दूर हटाया। इसके बाद मैदान पर अंपायर ने दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे से दूर किया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने इस मैच में कई बार भारतीय खिलाड़ियों के सामने अनगर्ल बातें भी कही। बाद में बांग्लादेश के कप्तान अकबर अली ने अपनी टीम के खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित आक्रामकता पर अफसोस जताते हुए कहा, जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। दोस्तों आप भी इसे लेकर अपनी राय कमेंट जरूर करें। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को क्या ऐसा करना चाहिए था? ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।